हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। तो जैसे कि हम डब्ल्यूएम का मॉड्यूल कवर कर रहे थे, तो डब्ल्यूएम के मॉड्यूल से और एक दो टॉपिक बचा हुआ है। पिछले टॉपिक में या फिर लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि डब्ल्यूएम का जो मॉड्यूल है वो कैसे पीपी के साथ इंटीग्रेटेड है, और उसका जो टेस्ट केस है या फिर टेस्ट सिनेरियो है वो हमने कंप्लीट नहीं किया था। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे पीपी का भी काफ़ी सारे चीज़ें जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो पीपी में जैसे वर्क सेंटर बनाना है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हमने अभी तक उसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो पीपी रिलेटेड वर्क है, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वो हम कुछ ही दिनों में हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आने वाले कोई भी टॉपिक में हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज का जो क्लास रहेगा वो बेसिकली हम आज कवर करने वाले हैं डब्ल्यूएम एंड क्यूएम का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रहता है, और उसका क्या डिटेल्स है, सारे चीज़ हम जानेंगे, उसका सेटिंग्स भी देखेंगे और उसका टेस्ट सिनेरियो भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में जैसे कि डब्ल्यूएम एंड क्यूएम, आप सभी को पता है क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कभी कभी जो हमारा अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम रहता है या फिर कोई भी कंपनी का, सपोज आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी मटेरियल आपके वेयरहाउस के अंदर आता है या फिर वेयरहाउस से बाहर जाता है, तो आपको क्वालिटी चेक करके भेजना रहता है या फिर क्वालिटी चेक करके उसको रखना पड़ता है। तो एक जो होता है IQC उसको बोलते हैं, जो आपका इनकमिंग क्वालिटी चेक रहता है, और एक OQC रहता है जो आउटगोइंग क्वालिटी चेक रहता है। वो नॉर्मली होता है सारे कंपनियों के अंदर होता है। अगर आप प्रोसेस रिलेटेड में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं या फिर आप अगर कोई भी प्रोडक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका क्वालिटी से कोई भी रिलेशन है, अगर आप क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा IQC एंड OQC, वो चीज़ें पता होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपके वेयरहाउस के अंदर कोई भी सामान आता है तो आपको उसको क्वालिटी चेक करना पड़ता है। तो मटेरियल, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो जाए या फिर आपका सेमी फिनिश्ड मटेरियल हो जाए या फिर फिनिश्ड मटेरियल हो जाए, उसको आपको चेक करना रहता है। कि काफ़ी टाइम क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी इश्यू आ सकता है, या फिर आपको आपका जो वेंडर है जो आपको आइटम दिया है वो शायद सही ना हो या फिर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो। तो उन सारे चीज़ों में आपको जो है QM का मॉड्यूल जो है इम्प्लीमेंट रहता है काफ़ी सारे जगह पे। तो अगर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिव रहेगा तो आपको QM के मॉड्यूल के साथ WM का मॉड्यूल जो है वहाँ पे इंटीग्रेट रहता है, ताकि आपका जब भी मटेरियल जो है वो वेयरहाउस के अंदर आता है या फिर वेयरहाउस से बाहर जाता है, तो वो थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट से होके ही जाता है। तो नॉर्मली जैसे आपका जैसे अगर हम MM के मॉड्यूल के साथ कंपेयर करें, तो आपका जो मटेरियल आता है, सपोज आपने क्या किया है, मटेरियल को जो रिसीव किया है आपने क्वालिटी स्टॉक में रिसीव किया है। तो क्वालिटी स्टॉक में अगर रिसीव करोगे तो वो, अगर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगा तो वो सबसे पहले जाके क्वालिटी मैनेजमेंट में उसका चेक रहेगा। अगर वो ओके होगा तो फिर उसको आप मूव कर सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में। तो सिमिलरली अगर आपका WM रहेगा तो WM का भी QM का जो इंटीग्रेशन है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जब भी इनबाउंड आता है, कोई भी मटेरियल आपका आता है, तो उस टाइम में आपका क्या रहता है, मटेरियल को वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। तो नॉर्मली सारे मटेरियल जो है वो चला जाता है आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन में, जो भी आपका मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सपोज आपको नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं करना रहता है, आप एक लॉट वाइज में कर लेते हो या फिर एक टाइम करोगे तो बाद में नहीं चाहिए होता है। तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मली क्या रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो क्वालिटी चेक करना रहता है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे WM एंड QM का जो इंटीग्रेशन रहता है वो क्या रहता है, और उसका सेटिंग्स कैसे करते हैं, और जब भी आपका QM का मॉड्यूल रहेगा तो फ्लो कैसे काम करेगा, कैसे आप जो WM से है, WM से QM का जो मटेरियल का फ्लो होता है या फिर जो प्रोसेस का फ्लो होता है वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, IMG सेटिंग्स करना पड़ेगा जो हमारा WM एंड QM का इंटीग्रेशन के लिए। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, SPRO से हमको जाना पड़ेगा रेसिपी रेफरेंस IMG, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन,
लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से हमको जाना पड़ेगा वेयरहाउस मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट से हमको जाना पड़ेगा इंटरफेसेस, इंटरफेसेस से हमको जाना पड़ेगा डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, डिफाइन इंस्पेक्शन सैम्पल कंट्रोल, दूसरा मिल रहा है डिफाइन स्टोरेज टाइप सर्च, एंड एक्टिवेट क्यूएम इंटरिम स्टोरेज टाइप सर्च। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से डिफाइन इंस्पेक्शन सैम्पल कंट्रोल में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जैसे आपका वेयरहाउस नंबर है, यहाँ पे जो क्यूएम कंट्रोल है यहाँ पे क्यूआई के लिए दिया है, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो सैम्पल फॉर इंस्पेक्शन है, और यहाँ पे वेयरहाउस टाइप, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्टोरेज टाइप, कौन से स्टोरेज टाइप पे आपका जो मटेरियल है वो इंस्पेक्शन के लिए जाएगा वो आपका यहाँ पे मेंशन है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारे वेयरहाउस के लिए जो W01 है तो उसके लिए कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है क्या। तो ये क्योंकि हमने कॉपी किया था 0001 से, तो उसके लिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी कॉपी हो गया है। तो यहाँ पे जो है अगर आपका ये एंट्री नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या चीज़ चेक करना है, पहले वेयरहाउस नंबर है, फिर यहाँ पे आपका जो क्यूएम कंट्रोल है, फिर आपको यहाँ पे वेयरहाउस टाइप सॉरी स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे 917 आपको देना है। 917 जो रहता है वो इंस्पेक्शन बिन के लिए रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी क्वालिटी के लिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन जो आपका सैम्पल हैंडलिंग है यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिफरेंट टाइप का जो सैम्पल हैंडलिंग होता है वो कैसे रहता है। तो 1 यानी कि स्टॉक ट्रांसफर टू इंस्पेक्शन सैम्पल बिन, तो हमारा जो स्टॉक रहेगा वो हम सैम्पल बिन के अंदर भेज देंगे, वहाँ से ये जो है चेक होगा, चेक होने के बाद फिर आपका जाएगा जो नॉर्मल बिन रहेगा वहाँ पे आपको मूव कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपका जीआर जोन पे ही रहेगा, मतलब आपका जहाँ पे सामान ऑनलोड होता है जो जीआर जोन होता है। आई बिलीव हमने ऑलरेडी जीआर जोन जो है वो डिस्कस किया था स्टार्टिंग वाले क्लासेस में। तो यहाँ पे आपका जीआर जोन पे ही रहेगा, वहाँ से ही आप मतलब आपको कोई बिन में उसको ट्रांसफर नहीं करना है, जीआर जोन से ही आपको वहाँ पे इंस्पेक्शन कर लेना है। अगर इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको बिन में वहाँ से ट्रांसफर करना है। 3 के लिए जो है वो है पुट अवे के लिए। तो नॉर्मली आप क्या कर लोगे, पुट अवे कर लोगे, यानी कि जो भी बिन में रखना है वो डायरेक्टली रख लोगे, वहां से जाके आपको फिर से सैंपल निकाल के चेक करना है। तीसरा जो नंबर 4 है वो है इग्नोर, यानी कि आप कोई भी यहाँ पे वैसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आप कहीं से भी क्वालिटी इंस्पेक्शन कर सकते हैं या फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे सिमिलरली जो आपका जो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड फॉर सैंपल डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे एच लिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे एच यानी कि फोरग्राउंड में है और डी यानी कि बैकग्राउंड में रहता है, और अगर ब्लैंक रहेगा तो सिस्टम गाइडेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड में है, तो जो भी हम यहाँ पे कोई भी सैंपल मूव करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है वो हम देख सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में करोगे तो वो सिस्टम जो है प्रोग्राम के थ्रू बैकग्राउंड में उसको मूव कर देगा। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ऑलरेडी हमारा तो डेटा सेव है, तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं डिफाइन स्टोरेज टाइप सर्च के अंदर। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे आपका स्टोरेज टाइप सर्च करेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपना जो वेयरहाउस नंबर है W01 में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वेयरहाउसिंग के लिए ऑपरेशन जो है हमारा ई ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका पुट अवे के लिए, और यहाँ पे ए ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका पिकिंग के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्टॉक कैटेगरी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यू है, क्यू यानी कि आपको यहाँ पे ये जो क्यू है यानी कि स्टॉक इन क्वालिटी कंट्रोल में है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सपोज हम यहाँ से फाइंड करते हैं W01 एंड प्रोसेस कैटेगरी में ई ले लेते हैं, और हम यहाँ पे स्पेशल स्टॉक स्टॉक कैटेगरी में सपोज यहाँ पे क्यू ले लेते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका वेयरहाउस नंबर है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टोरेज टाइप एंड सेकेंड स्टोरेज टाइप 001 एंड 002 दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है स्टोरेज टाइप ले सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो क्वालिटी स्टॉक के लिए कौन सा वाला स्टोरेज टाइप यूज़ करना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक चलते हैं, नेक्स्ट जो है एक्टिवेट क्यूएम इंटरिम स्टोरेज टाइप सर्च, इसके अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वेयरहाउस नंबर पे जाते हैं W01, और यहाँ पे आपको सिमिलरली जो है ई एंड क्यू के कॉम्बिनेशन पे आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जैसा कि हमारा W01 के अगेंस्ट में यहाँ पे क्यू यानी कि जो क्वालिटी स्टॉक है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे QI दिया गया है, और यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन जो है 0001 एंड 0002 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जब ये QI हो जाएगा, QI होने के बाद जो इसी जो ये जो हमारा स्टोरेज टाइप है इसके अंदर आपका मटेरियल जो है वो मूव हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये वाला चीज़ देखना है, अगर आपका ये QI एंटर नहीं है आपके क्वालिटी स्टॉक के अगेंस्ट में तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, हालांकि हमारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो बेसिकली इतना जो है सेटिंग्स रहता है हमारा, अगर WM एंड QM का जो इंटीग्रेशन मॉड्यूल रहता है अगर वहाँ पे है तो हमको इतना सारा इंटरफेसेस जो है इंटरफेस में ये कॉन्फ़िगर करना रहता है। ये बेसिकली हमारा जो IMG सेटिंग्स होता है वो इतने का हमको करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको इंस्पेक्शन सैम्पल कंट्रोल करना है, फिर आपको जो है आपका स्टोरेज टाइप सर्च डिफाइन करना है, फिर आपको QM इंटरिम स्टोरेज टाइप सर्च जो है उसको डिफाइन करना है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसके लिए टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करना है। तो टेस्ट सिनेरियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपका जो मटेरियल मास्टर है मटेरियल मास्टर को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा QM व्यूज के लिए। हमने ऑलरेडी MMWM का व्यू मेंटेन करके रखा है, आपको QM का व्यू भी सेट करना पड़ेगा। तो हम सपोज जाते हैं /NMM01 में, तो कभी भी आप एक्सटेंड करो कोई भी मटेरियल उसके लिए आपको जाना पड़ता है MM01 के अंदर। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिलेक्ट करना है QM का व्यू। तो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट है, हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लांट डाल दिया, और यहाँ पे हमारा स्टोरेज लोकेशन डाल दिया, और इसको हमने ओके कर लिया। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है और ओनली एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे QM का जो व्यू है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा इंस्पेक्शन जो सेटअप है इसके अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन टाइप में सपोज आप यहाँ पे क्या करते हो, ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 01 यानी कि गुड्स रिसिप्ट इंस्पेक्शन फॉर ऑर्डर। तो यहाँ पे आप जो भी परचेज ऑर्डर जो भी रहता है PO के अगेंस्ट में जो भी करोगे वो यहाँ पे आपका रहेगा कि वो वाला आप यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए ले सकते हो। दूसरा वाला हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 02 के लिए यहाँ पे गुड्स इशू इंस्पेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली गुड्स इशू का जो रहेगा वो इंस्पेक्शन यहाँ पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए लेट मी चेक अगर कुछ है तो यहाँ पे 04 जो है वो फाइनल इंस्पेक्शन एट GR फ्रॉम प्रोडक्शन के लिए है। तो सपोज हम इसको ले लेते हैं 04, तो यहाँ पे हमारा 01 04 हमने ले लिया है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है आपको एक्टिव सेट करना है, ये जो एक्टिव है इंस्पेक्शन एक्टिव इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों के लिए। तो जब भी आप कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में GR करोगे तब आपको वो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट में जाएगा और आपको क्वालिटी में देना पड़ेगा। फिर आपका जो है अगर आपका कोई GR से मटेरियल रिसीव होता है तो उसके लिए भी आपको ये जो इंस्पेक्शन है वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं इसके अंदर। तो अभी ये बता रहा है कि QM एक्टिवेट करने के लिए जो इंस्पेक्शन स्टॉक है वो मटेरियल का एम्प्टी रहना चाहिए। तो शायद हमारा ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है इसके लिए हमको बता रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया मटेरियल हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम जाते हैं /NMM01 में हम जाते हैं, और यहाँ पे हम सपोज अपना जो इंडस्ट्री सेक्टर है टाटा मोटर्स ले लेते हैं, और मटेरियल के लिए हम सपोज टाटा मोटर्स मटेरियल ले लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे लेना है क्वालिटी मैनेजमेंट वेयरहाउसिंग
ये सारा हमको लेना है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में हम जाते हैं प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, वेयरहाउस नंबर, स्टोरेज टाइप हम यहाँ पे दे देते हैं। हमने लिया था 001, हम यहाँ पे दे देते हैं। स्टोरेज टाइप हम यहाँ पे 001 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको टेस्ट क्यूएम डेटा करके दे देते हैं। यहाँ पे आपको सारे जो इसके रिलेवेंट फील्ड है, जो भी मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मटेरियल नंबर, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो वेयरहाउस मैनेजमेंट है, वेयरहाउस मैनेजमेंट में आपको स्टॉक रिमूवल एंड स्टॉक प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे ले लेना है 0001, यहाँ पे आपको ले लेना है 0001, यहाँ पे एंटर कर देना है। ओके, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो यूनिट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली हम इंस्पेक्शन सेटअप में जाते हैं, क्रिएट करते हैं 01 04, एक्टिवेट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक है ये वाला सिलेक्ट करना है, बाकी जो सारे हैं इसको आप अनचेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं कि आपको एचयू को भी इंस्पेक्शन में डालना है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन को भी आपको इंस्पेक्शन में डालना है। तो ये सारा चीज़, अगर आपका कोई भी चीज़ें आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। और आपको यहाँ पे दूसरे जो डेटा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सपोज हम यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है ये सेव हो गया है। तो अभी हमको इसी मटेरियल के अगेंस्ट में हमको एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। इसको क्लोज कर देते हैं। स्लैश NME21N पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम मटेरियल डाल देते हैं, 100 का स्टॉक डाल देते हैं, प्लांट जो है हमारा वो ले लेते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, वेंडर, यहाँ पे हम इसका प्राइस डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे हमारे वार्निंग आ रहे हैं, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। इसको हम ओके कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए GR करेंगे, /NME MI Jio कर लेते हैं। तो MyGo में हम यहाँ पे जाते हैं, गुड्स रिसिप्ट विथ रेस्पेक्ट टू परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में हम अपना ऑर्डर ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको वेयर टैब में आपको यहाँ पे जो स्टॉक टाइप है इसको क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए डालना है। तो ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जो आपका स्टॉक टाइप है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन में आ रहा है। नॉर्मली हम जब पहले जो भी सारे करते थे उसके लिए क्या था, उसके लिए नॉर्मली क्या होता था कि आपका जो मटेरियल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड में जाता था, लेकिन ये अभी स्टॉक टाइप क्वालिटी इंस्पेक्शन में ऑलरेडी चला गया है, राइट? तो अभी हमको इसको क्या करना है, इसको सेव कर देना है।